आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण का चक्रव्यूह को भेदने के लिए तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता जनता के बीच पहुंच रहे थे और जनसंपर्क करते हुए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे थे। तो आज उसी परीक्षा का जो अंतिम दिन है वो कहे कि आ चुका है, क्योंकि आज दूसरे चरण के लिए जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई सुबह 7 बजे से नजर आ रही है, जिसको लेकर हमारी टीम भी पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रही है और प्राइम टीवी लगातार हर एक एक मतदान केंद्रों के बाहर मौजूद रही है और पल पल की अपडेट आप तक लगातार पहुंचाई जा रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कब और कहां कहां पर वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे कब आएंगे। तो 38 जिलों के 9 मंडल की जनता सुबह 7 बजे से अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली, क्योंकि जो जनता है वो अपने विकास में अब योगदान देना चाहती है और अब की जनता सिर्फ विकास के नाम पर वोट दे रही है और जो भी प्रत्याशी उनके उनके क्षेत्र का विकास करेगा, उनके लिए विकास करेगा। अब जनता यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए लगातार मतदान केंद्रों के बाहर पहुंच रही है। तो वही मेरठ से हमारे सहयोगी राजन हमारे साथ जुड़े हैं। राजन, मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और तकरीबन 2 घंटे का समय बीत चुका है, किस तरीके से लोग मतदान केंद्रों के बाहर पहुंच रहे हैं? देखिए बिल्कुल, सुबह 7 से लेकर शाम के 6 बजे तक ये मतदान होगा और दूसरे चरण में ये चुनाव के मतदान हो रहे हैं। हम एक बूथ पर हैं जहां पर लोग मतदान करने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हैं, जो लोग सुबह से, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो लाइन को दिखाएं कि किस तरीके से आखिर यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात है। कुर्तियो पूनम फिरो यहाँ पर है और सुरक्षा के दायित्व से हम उनसे बात कर लेते हैं। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम? सुरक्षा के लिए हमारी मोबाइल से सबसे होते हर 5-10 मिनट से राउंड ले रही है। बाकी रास्ते में जो सबको सही तरीके से दूर कर दिया गया, सारे प्रत्याशियों को, क्योंकि पोलिंग एजेंट कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, बात करना है। और जो बसते हैं उनके लिए निर्देश कर दिए गए हैं। भारतीय टीमों में जा रही है, प्रॉपर चेकिंग सिस्टम के बाद ही जा रही है और बिल्कुल पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पुलिस फोर्स तैनात है। यहाँ पर कुछ जो मतदान करने आए हैं उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या नाम है? संजय। संजय जी, इसलिए वोट डाल रहे हैं, क्या सोचा है आप? हमारे क्षेत्र का विकास हो, मेरठ का नाम हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, और क्या चाहिए? क्या कुछ मांगे हैं? नहीं जी, हमारी मांगे कुछ नहीं है, बस यही साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, जल निकासी की व्यवस्था हो, प्रॉपर लाइट मिलती रहे, बरसात का पानी कहीं इकट्ठा ना हो, गड्ढे सड़के गड्ढा मुक्त हो और ये जो आवारा जानवर घूमते हैं ये इनको कैद के। आप बताइए क्या समस्या है, किन मांगों को लेकर आप वोट आते हैं? यही सही कहा, जो आवारा जानवर है। तो बिल्कुल देखिए मुस्कान, यहाँ पर जितने भी लोग हैं तब अपने अधिकार के प्रति, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है, यहाँ चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है, प्रत्याशी को चुना जाएगा, क्योंकि क्षेत्र का विकास हो, समाज का कल्याण हो, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर देखा जाए तो लोग वोट डालने आ रहे हैं। और वहीं हम भी अपील करेंगे कि इस लोकतंत्र के महापर्व पर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, अपने प्रत्याशियों को चुना जाए। जी ठीक है, अगर हम मेयर की, अगर हम मेरठ में मेयर पद की बात करें तो 2017 में यहाँ पर बीएसपी ने अपना कब्जा किया था, लेकिन उससे पहले 4 बार कहीं ना कहीं भाजपा का मेयर रहा था। तो इस बार जो कंपटीशन है वो किन दो पार्टियों के बीच ज्यादा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मुस्कान, देखिए मेरठ मेयर की बात करें तो मैदान में साइकिल और कमल का फूल टक्कर दे रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन की यहाँ पर विधायक है अतुल प्रधान, उनकी पत्नी सीमा प्रधान मैदान में उतरी हैं साइकिल से समाजवादी पार्टी से। तो वहीं पूर्व मेयर हरिकांत आलूवालिया को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है, लेकिन ऐसे में देखना यह है कि 13 मई को जो रिजल्ट आने वाला है उसमें देखना है कि मेयर पर आखिर किसकी सरकार बनती है, देखने वाली बात होगी। मुस्कान। अच्छा साजन, आप लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे उनसे सब कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मौजूदा मेयर की बात करें सुनीता वर्मा, तो क्या जनता उनके काम से संतुष्ट नजर आ रही है? देखिए जनता उनके काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सुनीता वर्मा मेयर जो रही हैं,
वो अपने कार्यकाल में एक बार भी जनता के बीच में नहीं आई है, डोर टू डोर उन्होंने कन्वेंस नहीं की है। यहाँ तक कि जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो सभी प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांगते हैं और लोगों की समस्याओं को निजात दिलाने की बात करते हैं, लेकिन फिलहाल सुनीता वर्मा इस पूरे 5 साल में कहीं ना कहीं गायब नजर आई है। वहीं मैं आपको दिखा दूं, सुरक्षा की दृष्टि से देखिए कि महिलाओं से बिल्कुल अलग पूछताछ की जा रही है। मास्क उतार कर सीओ खुद यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं कि उनकी आइडेंटिटी कार्ड को उन्हें वेरीफाई किया जा रहा है कि किस तरीके से कोई फर्जी वोट ना डाले और इसलिए एहतियात बरती जा रही है। छापे में सबमिट कर दिया है, यहाँ तक जो आईडी है आईडी उनकी फोटो को मैच किया जा रहा है और यहाँ तक की जो महिलाएं आ रही है उनके लिए स्पेशल महिलाएं रखी गई है। और यहाँ पर पुरुष की बात करें तो कई पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए, पूरे इलाके को छापने में तब्दील कर दिया गया है उसका। बिल्कुल राजन, अगर हम बात करें 2017 के आंकड़ों की तो अभी जैसा कि आपने जिक्र किया कि सुनीता वर्मा बीएसपी से जीती थी लेकिन वो जनता के बीच नहीं पहुंची है, तो ऐसे में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी? बिल्कुल देखिए, जनता की यही मांग है कि साफ सफाई हो, सड़कें बने। जैसे कि अभी हमने किसी एक बात करी थी तो उनका यही कहना था कि ये तमाम मांगे जो है, तमाम समस्या है लोगों की, ये समस्या से निजात मिले क्योंकि इन समस्या से जनता जूझ रही है और इसी के लिए प्रत्याशी वो अपना चुनती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है कि समाज का कल्याण हो, क्षेत्र का विकास हो। तो मैं ऐसे में देखना यह है कि जो भी कैंडिडेट 13 मई को चुना जाता है, जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद में आखिर वो कितना विकास कर पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल राजन, अभी हमारे तमाम जनपदों के सहयोगियों से बात हुई तो उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिनका नाम वोटिंग लिस्ट से गायब है, तो क्या मेरठ से कोई ऐसी तस्वीरें या कोई ऐसा मामला अभी तक आपके जानने में आया है? देखिए, मेरठ में ईवीएम मशीन खराब होने के मामले सामने आए लेकिन जहां पर बूथ पर हम खड़े हैं यहां पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। वही वोटिंग में से अगर लिस्ट नाम हटने की बात की जाए तो यहां पर इस तरीके का मामला अभी कोई सामने नहीं आया है। उसको लेकर भी जो काउंटर बने हुए हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी वोटर यहाँ पर आ रहा है उनकी उन्हें पर्ची दी जाए ताकि वो वोट डाल सके। इस तरह का कोई मामला अभी तक संज्ञान में नहीं आया है। जी मुस्कान। ठीक है राजन, अभी आपने जिक्र किया कि ईवीएम खराब हो गई थी तो किस तरीके से वहां की स्थिति थी और क्या अभी वहां पर जो वोटिंग है वो फिर से शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, दो जगह मेरठ में वोटिंग ईवीएम मशीन खराब हो गई थी जिसको लेकर अधिकारी ने तत्काल वहां की ईवीएम मशीन को बदलवाया है। वहां पे लोगों को थोड़ा से परेशानी का सामना करना पड़ा लेकिन अब फिलहाल वहां पर बिल्कुल मामला सही चल रहा है, लोग वोट कर रहे हैं और दूसरी मशीन वहां पर लगा दी गई है। अब फिलहाल इस तरीके की परेशानी ना हो उसको लेकर भी सरकारी जो अधिकारी है वो भी अलर्ट मोड पर है। जी बिल्कुल, धन्यवाद राजन हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए, तो आपने देखा कि लगातार जो मेरठ से हमारे सहयोगी है वो भी हमारे साथ बने हुए थे तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो 2017 के बसपा से मेयर थी सुनीता वर्मा, जनता उनके काम से काफी नाखुश है क्योंकि वो 5 सालों में एक भी बार जनता के बीच नहीं पहुंची है, ना ही उनके नेतृत्व में क्षेत्र का विकास हुआ है। यही वजह है कि इस बार जो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी वो भाजपा और सपा दोनों के प्रत्याशियों के बीच देखने को मिलेगी। तो लगातार प्राइम टीवी की टीम सुबह से ही आप तक अपडेट पहुंचा रही है, हर एक मिनट हर एक सेकंड की अपडेट प्राइम टीवी पर आप देख रहे हैं। सीधी सटीक और सच्ची जानकारी प्राइम टीवी सुबह 7 बजे से ही अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रही है। तो वहीं कब वोटिंग होगी, कब नतीजे आएंगे, इस दौरान कितने मंडलों में चुनाव होने हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी दिखा रहे हैं। 38 जिलों की जनता आज सुबह 7 बजे से ही अपने मत का इस्तेमाल कर रही है और अब से मैं आज कुछ ही देरों में वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ जाएगा और ये पता चल जाएगा कि 9 बजे तक जो जनता है वो कितनी एक्टिव रही है, जनता ने कितने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो आपको बता दें कि तकरीबन 2 घंटे का समय बीत चुका है, यानी कि 9 से ज्यादा का समय हो चुका है और अब से कुछ ही समय में वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ जाएंगे। तो दूसरे चरण को लेकर जो जनता है वो लगातार अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। तो 38 जिलों की जनता आज अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अपनी शहर की सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। तो एक बार फिर से अनिल सीधा कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रही है, कैसी तस्वीरें मतदान केंद्रों के बाहर की हैं? लगभग 9 बज चुका है, 9 बजे के बाद लगभग 7 बजे से 9 बजे के बीच में अभी तो मतदाता बहुत कम निकले हैं क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि सुबह लोग उठते हैं, उठने के बाद अपने जो सुबह की प्रक्रिया होती है प्रक्रिया करने के बाद आराम से 9 से 11 के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात होती है जो मतदानों की संख्या और मतदाताओं की संख्या जो है वो लगभग 9 से 11 के बीच में ज्यादा होती है, क्योंकि अमूमन अक्सर कानपुर में देखा गया, कानपुर के अलावा और भी जिलों में देखा गया है कि जो मेन लोग वोट देने वाले निकलते हैं 9 से 11 के बीच में निकलते हैं।
इसके अलावा बता दूं कि कानपुर में लगभग 13 मेयर पद के प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया है, साथ ही लगभग 851 पार्षद प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कानपुर में जो सपा और भाजपा की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि वर्तमान जो मेयर थी प्रमिला पांडे लगातार जनता के बीच में रही, और जनता के बीच में रहने के बाद वर्तमान में कानपुर से विधायक इरफान अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी को टिकट दिया गया है, क्योंकि वंदना वाजपेयी भी लगातार लोगों के बीच में संपर्क किया है। अभी कल ही कानपुर में अखिलेश यादव और योगी जी ने लगातार घमासान यहाँ पे चुनाव प्रचार चलता है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कानपुर में दोबारा क्या प्रमिला पांडे सीट पे बैठ पाएंगी या दूसरा कोई आगे बैठ पाएगा। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से चाहे वो भाजपा हो चाहे वो सपा हो, तमाम दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने जनसंपर्क किया, एक विशाल रैली को संबोधित किया, तो क्या लगता है कि दिग्गज नेताओं के जाने का असर वहां पर जो वोटिंग हो रही है उसमें देखने को मिलेगा? कानपुर में अक्सर देखा जा रहा है कि जिस हिसाब से बीजेपी ने अपना पूरा एक, हालांकि चुनाव देखा जाए तो बहुत छोटा चुनाव होता है, लेकिन जिस हिसाब से कानपुर में घमासान चल रहा था कहीं ना कहीं देखने योग्य था, क्योंकि कानपुर एक ऐसा शहर था कि लगभग बीजेपी के प्रतिदिन कोई ना कोई वीआईपी या तो कोई बड़े नेता लगातार, जब से चुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद से लगातार बड़े से बड़े वीआईपी, और वो चाहे नंदन गोपाल नंदी हो, चाहे योगी हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, और चाहे ब्रजेश पाठक हो, सभी लोग लगातार कानपुर में हर दूसरे दिन दौरा चल रहा था। और मैं बता दूं कि लगभग 500 का दिन ऐसा था कि कानपुर में बीजेपी के लगभग कुछ नहीं तो 3 से 4 जो बड़े शीर्ष नेता हैं वो कानपुर में मौजूद थे, जिसमें ब्रजेश पाठक भी थे और योगी आदित्यनाथ भी थे और भी एक दो केंद्रीय मंत्री कानपुर में थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से कानपुर के लिए बीजेपी ने और सपा ने कमर कसी थी, ये देखने योग्य था, क्योंकि लगातार कानपुर में जिस हिसाब से प्रमिला पांडे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, बंटी पब्लिक एक्ट से इस तरीके से बहुत ऐसे आरोप थे जो प्रमिला पांडे पर लगते रहे, यहाँ तक कि प्रमिला पांडे पे अपोजिट पार्टी के सपा ने एक बड़ा केस भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से लगातार कानपुर के जो निवर्तमान मेयर थी उन पे आरोप लगते रहे थे, और साथ ही जिस हिसाब से देखा जाए कि अमिताभ वाजपेयी जो कि विधायक हैं उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है, और एक चीज देखने को मिलती है, जिस हिसाब से इरफान सोलंकी कानपुर से जब जेल भेज दिए गए और जेल भेजने के बाद में इरफान सोलंकी की वाइफ को टिकट देने की बात आ रही थी सपा से, लेकिन जैसा कि इरफान सोलंकी की वाइफ ने कहा था कि मैंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था बिहार का, ठीक है, उसके बाद ही जब बिल्कुल अनिल अभी आपने जिक्र किया कि जो है वो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, तो वहीं भाजपा ने प्रमिला पांडे पर एक बार दोबारा भरोसा जताया है, तो क्या कुछ समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भाजपा और सपा ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है और जनता की पसंद ज्यादा कौन बन रहा है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग कानपुर से मेयर पद के लिए 200 प्लस उम्मीदवार खड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से कानपुर में अगर देखने को मिल रहा था कि यदि 200 उम्मीदवार अगर बीजेपी से टिकट मांगने के लिए खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी के अंदर एक अंदरूनी कलह भी चल रही थी, जिसके चलते अगर कोई नया प्रत्याशी अगर कानपुर मैदान में खड़ा करते तो एक बड़ी विवाद की स्थिति कानपुर में पैदा हो सकती थी। इसके अलावा बता दूं कि जो कानपुर में नीतू सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा था, नीतू सिंह को जब टिकट देने की बात कही तो जिसको लेकर कानपुर में काफी विवाद और प्रतिवाद की स्थिति पैदा हो गई थी, उसके बाद ही लगभग रात को कानपुर का जो मेयर पद का टिकट था लगातार इस तरीके से चल रहा था कि लगभग सारे जिलों के मेयर पद के और भी जो टिकट थे बांट दिए गए थे, लेकिन कानपुर का होल्ड किया गया था। कानपुर का टिकट जो है लगभग 10 बजे रात को क्लियर किया गया, क्योंकि लगातार ये हो रहा था कि हो सकता है नीतू सिंह को टिकट मिल सकता है, और लगभग बहुत से चैनलों और बहुत से अखबारों ने इस चीज की पुष्टि भी कर दी थी कि लगभग नीतू सिंह 99% कंफर्म हो गया। लेकिन इन समय पे जब टिकट कट के फिर से प्रमिला पांडे को मिला, लेकिन ये बड़ी सोचने योग्य बात थी कि आखिर फिर से प्रमिला पांडे को टिकट मिल चुका था, लेकिन जिस हिसाब से प्रमिला पांडे को टिकट मिला है, कानपुर में ये तीन ब्राह्मण हैं जो सपा और भाजपा और एक अन्य पार्टी से भी भाजपा का ही टिकट लड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा बसपा प्रत्याशी भी है, लेकिन जिस हिसाब से सपा और भाजपा ने तैयारी की चुनाव की और जिस हिसाब से चुनाव रैलियां निकाली, वहीं पे बसपा अपने पूरे तरीके से अपने हथियार डाल चुकी थी, क्योंकि बसपा के प्रचार करने के लिए कोई भी सी आला अधिकारी कानपुर नहीं आया, ना तो इनका कोई आला नेता कानपुर आया, जिस हिसाब से बसपा का प्रचार इतना थमा हुआ था, लग ही नहीं रहा था कि बसपा किसी दौड़ में है।
कानपुर में सिर्फ दो और सपा और भाजपा पार्टी का एक रोल देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं विकास अवस्थी की पत्नी, विकास अवस्थी कानपुर से कांग्रेस के बड़े नेता है और पूरी में पत्रकार भी रहे हैं और पत्रकार की श्रेणी में आते थे कानपुर के सभी पत्रकारों ने। ये माना जाए कि जो भाजपा में कांटे की टक्कर है वो जो कानपुर में कांटे की टक्कर है वो भाजपा और सपा के बीच देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि कानपुर से हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानपुर के मेयर पद की टिकट को लेकर भाजपा के बीच तमाम खींचतान देखने को मिली, लेकिन आखिरकार प्रमिला को एक बार फिर से भाजपा ने मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। तो 2017 में ये वही मेयर कैंडिडेट है कानपुर से जिन्होंने जीत दर्ज की थी। तो वही एक बार फिर से प्रमिला पांडे पर भाजपा ने भरोसा जताते हुए उनको चुनावी मैदान में उतारा है। तो वही निकाय चुनाव को लेकर ब्रजेश पाठक ने जनता से अपील करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। द्वितीय चरण का चुनाव, हम प्रदेश के द्वितीय चरण के सभी मतदाताओं से अपील करते हैं अपने घरों से निकल करके कृपया मतदान के लिए अवश्य जाएं। मतदान एक पुनीत कार्य है, आपके मतदान करने से जो नगर की सरकारें हैं, जो शहरों की सरकारें हैं, वो बेहतर कैंडिडेट चुन सकेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव में घर घर जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को और उत्तर प्रदेश के लाइनाडा को घर घर पहुंचाने का काम किया है। मैं पुनः अपील करता हूं, कृपया सभी लोग एकजुट होकर के मतदान के लिए निकले और पहले मतदान फिर जनमान के नियम को अपनाते हुए मतदान बूथ तक जाकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की वोटिंग डालनी चाहिए सबको, है ये हम सबका अधिकार है, है इससे हमें देश की भलाई होती है अच्छी तरह। आप घर से सब काम? हाँ, सारा काम धंधा छोड़ के हम लोग आए वोट डालने के लिए। वोट डालना है, हम तरक्की के लिए चाहते हैं कि हम तरक्की हो, साफ सफाई हो, इस चीज़ के आगे हमारा देश आगे बढ़े। क्या कहेंगे भैया? हम तो यही कहेंगे कि अपना काम छोड़ के हम वोट डालने आए, पहले तो वोट, पहले वोट जरूरी है। तो घर से सारा काम छोड़ के आए, कौन सा इलाका है जहाँ वोट करना? ये बालाजी विहार है, बालाजी विहार। बोल दिया बाद में काम करना, पहले वोट डाल के आए। आपने जो वोट किया है, वोट करके आ गए आप, ये पर उंगली दिखा दी, तो किस मुद्दे को देखकर आपने वोट किया? भी हमारी तरक्की होवे, हमारा जगह जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे अच्छे काम होवे, इसलिए डाल रहा। कौन सा इलाका है आपका जहाँ वोट किया? अर्थला बालाजी विहार। भैया पहले वोट डाल ले आए घर के काम छोड़ के, अब वोट भाई जो ना आए वो भी आ जाए। डाल दिया अपने वोट? हाँ वोट डाल दिया हमने। इस बार किस मुद्दे को देखकर वोट किया आपने? भैया ये तो अपनी पसंद है, अभी कोई तो मुद्दा देखा होगा, विकास का मुद्दा, क्या मुद्दा देखा? जो अभी कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जो हाँ जो आपके पसंद है उसे तो। जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? वोट डाल नहीं, उन्हें आना चाहिए, वोट देना चाहिए, वोट करना चाहिए। हाँ वोट देना चाहिए। तो आपने सुना कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दूसरे चरण के मतदाताओं से अपील की है कि वो पहले मतदान करें फिर जलपान करें और अपने क्षेत्र में विकास को धार देने के लिए, रफ्तार देने के लिए अपने एक एक मत का इस्तेमाल करें, यानी कि जो मतदाता है वो मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। तो जिसके लिए लगातार जो प्रशासन है वो मुस्तैद है। तो मंत्री जेपीएस राठौर ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, एमएल मेमोरियल स्कूल में जेपीएस राठौर ने अपना वोट डाला है। तो जो दिग्गज नेता है वो भी अब लगातार अपना वोट डाल रहा है। तो वही जेपीएस राठौर ने कहा कि सपा की साइकिल अब पंचर हो चुकी है, तो निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। जहां एक वीआईपी वोटर जेपीएस राठौर ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए जेपीएस राठौर ने कहा कि सपा की साइकिल है वो पूरी तरीके से पंचर हो चुकी है। तो जेपीएस राठौर ने भी अपना वोट डाल दिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच जेपीएस राठौर अपने वोट का इस्तेमाल करने पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। तो वही बुलंदशहर से हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी अब से महज कुछ ही देर में सामने आ जाएंगे। तो मतदान केंद्रों के बाहर जो लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर लोगों की सहभागिता है वो कैसी दिखाई दी है? मुस्कान जी मैं आपको बता दूं, जनपद कुलेंसर में 17 निकाय चुनाव है और जहां 7,11,000 मतदाता हैं जो
137 अध्यक्ष हैं और 1418 सभासद हैं, जिनको लेकर पूरे प्रशासन पूरी तैयार है। और जो जो मतदान किए जाएंगे जो पहचान मत के द्वारा किए जाएंगे और स्कैनिंग करे जाएंगे, कोई फर्जी मतदाता नहीं कर पाएगा। ठीक है, विशाल मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के क्या कुछ कड़े इंतजाम देखने को मिले, पुलिस द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं, प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और पुलिस मतदान करने वाले लोगों पर निगरानी की जा रही है और उनके मोबाइल हैं उनको भी चेक किया जा रहा है, जिसमें कि अंदर ना लेके जाए। बिल्कुल विशाल, लगातार हमने अपने तमाम सहयोगियों से बात की तो कहीं ईवीएम की खराब होने की खबर आई, तो कहीं वोटर लिस्ट से जो मतदाता है उनका नाम गायब रहा, तो क्या कोई ऐसी खबर अभी तक आपको सुनने को मिली है बुलंदशहर में? मुस्कान जी, ऐसी कोई नहीं मिल पाई है सूचना जो ईवीएम मशीन हो या वोटर लिस्ट में किसी के नाम काटे हों, ऐसी अभी नहीं आई है। ठीक है विशाल, आप लोगों के बीच में काफी एक्टिव रहे थे और आपने नगर संग्राम में भी अपनी सहभागिता दिखाई थी हमारे खास कार्यक्रम में, तो उस दौरान बुलंदशहर के मुद्दे क्या क्या बड़े हैं जिसको लेकर जनता परेशान है और उसी को ध्यान में रखते हुए वोटिंग केंद्र पर पहुंच रही है? मैं आपको बता दूं, जनता के मुद्दे थे जो विकास को लेकर वो काफी नाराज थे और जिसमें कि बुलंदशहर पहले 2017 में भाजपा का दबदबा रहा था, उसी को देखते हुए विकास को लेकर काफी नाराज रहे थे। बिल्कुल विशाल, अगर हम देखें तो लगातार जो युवा हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं नौकरी को लेकर, और जो महिलाएं हैं वो ये कह रही है कि उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो जो इस बार कांटे की टक्कर है वो किन दो पार्टियों के बीच ज्यादा देखने को मिल रही है? मैं आपको बता दूं कि भाजपा और बसपा की और सपा की तीनों की टक्कर नजर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, धन्यवाद विशाल हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बुलंदशहर से भी हमारे सहयोगी ने मतदान केंद्रों के बाहर की स्थिति को दिखाया और समझाने का प्रयास किया कि शांतिपूर्ण तरीके से जो बुलंदशहर है वहां पर मतदान किया जा रहा है, जो जनता है वो लगातार मतदान केंद्र पर पहुंच रही है और अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है, तो शाम 6 बजे तक जनता अपने मत का इस्तेमाल कर सकती है। तो प्राइम टीवी लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बताने के भी प्रयास कर रहा है कि कब वोटिंग है, कब नतीजे आएंगे और उस दौरान आज किन किन मंडलों में चुनाव होने हैं। तो जो है एक तरफ आजमगढ़ में सपा की साख दांव पर लगी हुई है, तो अयोध्या का रण भी भाजपा के लिए बेहद दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा लगातार हर एक चुनावों में गूंजता हुआ दिखाई दिया है, तो यही वजह है कि लगातार जो पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो अपने लिए लोगों से मत मांगने की भी यानी कि उनके पक्ष में वोट देने की भी अपील करते हुए नजर आए। तो लगातार जो हमारे सहयोगी हैं वो पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। तो वही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी एक बड़ा बयान दिया है निकाय चुनाव से पहले जनता को लेकर, जनता के नाम एक संबोधन दिया है, एक बार फिर से वो आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में द्वितीय चरण का चुनाव, हम प्रदेश के द्वितीय चरण के सभी मतदाताओं से अपील करते हैं अपने घरों से निकल करके कृपया मतदान के लिए अवश्य जाएं। मतदान एक पुनीत कार्य है, आपके मतदान करने से जो नगर की सरकारें हैं जो शहरों की सरकारें हैं वो बेहतर कैंडिडेट चुन सकेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव में घर घर जा करके माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को और उत्तर प्रदेश के लाइनाडा को घर घर पहुँचाने का काम किया है। मैं पुनः अपील करता हूँ, कृपया सभी लोग एकजुट होकर के मतदान के लिए निकले और पहले मतदान फिर जनपद के नियम को अपनाते हुए मतदान बूथ तक जाकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की। तो आपको बताते चले कि शाहजहांपुर में भी आज जो वोट है वो डाले जाएंगे, तो वही कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। सुरेश खन्ना ने बूथ नंबर 189 पर अपना मतदान किया, तो सुरेश खन्ना के साथ जेपीएस राठौर ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। वह सुरेश खन्ना ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि विकास के नाम पर जनता अपना वोट करेगी, तो शाहजहांपुर को आज
पहली बार जो शाहजहांपुर की जनता है वो मेयर के लिए अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि शाहजहांपुर की जनता इस बार पहली बार अपना मेयर चुनेगी। यही वजह है कि जो तमाम भाजपा के दिग्गज नेता हैं उन्होंने जनता से अपील किया है कि आप विकास के नाम पर वोट दें। तो वहीं शाहजहांपुर में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के साथ ही जेपीएस राठौर ने भी अपने मत का इस्तेमाल करते हुए मीडिया से मुखातिब होते हुए लोगों से यह अपील की है कि वो मतदान केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा की संख्या में पहुंचे। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोगों से अपील की है कि जो दूसरे चरण के मतदाता हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि उनका एक एक वोट विकास की नई दिशा को तय करेगा। तो दूसरा चरण का निकाय चुनाव काफी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जो है एक तरफ 2017 में अलीगढ़ और मेरठ की दो ऐसी सीटें थी जहां पर बीएसपी की जो प्रत्याशी है उन्होंने जीत दर्ज की थी, तो वही इस बार भाजपा के लिए कांटे की टक्कर और हो जाती है, क्योंकि शाहजहांपुर में पहली बार जनता अपना मेयर चुनेगी, जिसके लिए जनता लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। तो शाहजहांपुर में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के साथ ही जेपीएस राठौर ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जो जनता है वो विकास के नाम पर वोट दे और एक एक वोट जनता का विकास तय करेगा। तो वही शाहजहांपुर से भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो शाहजहांपुर से जो हमारे सहयोगी हम सीधा उनका रुख करते हैं। अगर देखा जाए तो शाहजहांपुर की जनता पहली बार अपना मेयर चुन रही है और जो वीआईपी वोटर्स हैं वो भी अपना वोट डाल चुके हैं। क्या कुछ तस्वीरें आपको मतदान केंद्रों के बाहर दिख रही हैं? जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो हम अपने सहयोगी से दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शाहजहांपुर की जनता पहली बार अपने वोट का मेयर के लिए इस्तेमाल करेगी, यानी शाहजहांपुर की जनता आज पहली बार मेयर पद के प्रत्याशी के लिए अपना वोट देगी। यही वजह है कि इस बार यूपी में कुल 17 मेयर चुने जाएंगे। तो आपको बताते चले कि शाहजहांपुर की जनता पहली बार अपना मेयर चुनेगी, जिसके लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। वही जनता से अपील की है कि आप विकास के नाम पर वोट दें। सुरेश खन्ना ने बूथ नंबर 189 पर अपना वोट डाला और अपने मताधिकार का इस्तेमाल 189 बूथ पर किया है। तो आपको बता दें कि निकाय चुनाव की जो जंग है वो बेहद दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि भाजपा की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं काफी रोमांचक है, क्योंकि इस बार जो सपा है वो कांटे की टक्कर निकाय चुनाव में भाजपा को देती हुई नजर आ रही है। तो इस बार फिर एक बार फिर से शाहजहांपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अगर मैं बात करूं शाहजहांपुर की, तो यहाँ की जनता पहली बार अपना मेयर चुनेगी, तो क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी को ज्यादा समर्थन मिल रहा है? देखिए, आपको बता दें, आज सुबह 7 बजे करीब कैबिनेट मंत्री जो है सुरेश खन्ना ने अपना वोट नंबर 89 पर डाला है और उन्होंने ये बात कही है कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है विकास के मुद्दों पर उन्होंने जो है वोट किया है और जनता उन्हीं मुद्दों को लेकर विकास के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन मिलेगा और कहीं ना कहीं इस बार अपने पहला मेयर तो जनता यहाँ की चुनेगी, उसको लेकर भी सुबह से ही हर केंद्रों पर जो है भीड़ काफी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं किसी भी बूथ पर सुबह से जो परसेंटेज कम था, मगर इस बार कुछ परसेंटेज अब हम इस समय कगरे पे मौजूद है जहाँ पर लगातार भीड़ अंदर भी है और बाहर भी लोग जो है बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लोगों में अपने मेयर चुनने का उत्साह है। और बात की जाए कांटे की टक्कर की, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और भाजपा लगातार अपना ये प्रयास कर रहे हैं कि हम जो है इस बार बे का जो है ताज जो है सर पहन दें, मगर भाई सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि हमारा जो मुद्दा है वो विकास है, जो भी हमने काम किए हैं वो 2 साल में पूरे किए जा चुके हैं और जो वादे किए थे 98% काम कराने के, तो 98% हो चुके, 100% में 98% काम पूरे हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लोग विकास के मुद्दे को लेकर इस बार भाजपा को चुनेगी। बिल्कुल मोहम्मद शान, जिस तरीके से जो प्रत्याशियों के नामांकन के एक दिन पहले से सपा के मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा भाजपा में शामिल हो गई थी, तो क्या लगता है कि इससे जो सियासी समीकरण है वो कहीं ना कहीं बिगड़ सकते हैं जब नतीजे आएंगे? तो
तुषांत से हम दोबारा संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो जनता है वो अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं शाहजहांपुर की जनता भी लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि शाहजहांपुर की जनता पहली बार अपना मेयर प्रत्याशी चुनेगी, जिसके लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के साथ ही जेपीएस राठौर ने भी अपना वोट डाल दिया है और लगातार लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि जो जनता है वो विकास के नाम पर वोट दे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी एक ट्वीट किया गया है और इस दौरान ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश की दूसरे चरण की जनता निकाय चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल करे। तो सुबह से ही चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो या पुरुष ही क्यों ना हो, मतदान केंद्रों के बाहर एक लंबी कतारें देखने को मिली है। भले ही इस वक्त यूपी का तापमान थोड़ा गर्म है, लेकिन उससे ज्यादा यूपी की सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि दूसरे चरण की जनता अब अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल कर रही है, जिसके नतीजे 13 मई को आएंगे। यानी कि आज जनता जो है वो मत पेटियों में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला लिख देगी, लेकिन उसका खुलासा 13 मई को होगा। जब उस दौरान मत पेटियां खुलेंगी, जब ईवीएम से काउंटिंग चालू होगी, तभी यह साफ हो पाएगा कि आखिर जो जनता की पसंद है वो कौन बना है। लेकिन उससे पहले आपको यह बताना अहम हो जाता है कि आज दूसरा चरण का चुनाव लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। इस दौरान 38 जिलों के 9 मंडल की जनता अपने वोट का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। तो कब वोटिंग होगी और कब नतीजे आएंगे, इन सबके बीच हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि आखिर कौन कौन से मंडल में आज चुनाव लगातार होंगे और कौन कौन से मंडल की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, उन्होंने क्या कुछ अपील की है जनता से, वो आपको सुनाते हैं। द्वितीय चरण का चुनाव, हम प्रदेश के द्वितीय चरण के सभी मतदाताओं से अपील करते हैं, अपने घरों से निकल करके कृपया मतदान के लिए अवश्य जाएं। मतदान एक पुनीत कार्य है, आपके मतदान करने से जो नगर की सरकारें हैं, जो शहरों की सरकारें हैं, वो बेहतर कैंडिडेट चुन सकेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव में घर घर जा करके माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को और उत्तर प्रदेश के लाइनाडा को घर घर पहुँचाने का काम किया है। मैं पुनः अपील करता हूँ, कृपया सभी लोग एकजुट होकर के मतदान के लिए निकले और पहले मतदान फिर जनमान के नियम को अपनाते हुए मतदान बूथ तक जाकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की। तो निकाय चुनाव की दूसरे चरण की लड़ाई बेहद रोमांचक हो चुकी है, क्योंकि अलीगढ़ और मेरठ ये दो ऐसे मेयर सीट है जहां पर बीएसपी के कैंडिडेट इस वक्त मौजूद है। यानी कि इन दोनों ही सीटों पर भाजपा एक बार अपनी सत्ता को काबिज करने का प्रयास करती हुई नजर आएगी। तो वही कानपुर, गाजियाबाद, बरेली के साथ ही अयोध्या में भी इस वक्त बीजेपी के मेयर है। तो अयोध्या की लड़ाई बेहद दिलचस्प है, क्योंकि जहां एक तरफ 2017 में ऋषिकेश उपाध्याय ने जीत दर्ज की थी, तो वही इस बार जमीनी विवाद में फंसे होने के कारण भाजपा ने अपना मेयर पद का जो प्रत्याशी है वो अयोध्या में बदल दिया है। तो अयोध्या की लड़ाई काफी दिलचस्प मोड़ पे आ चुकी है। तो अयोध्या में कांग्रेस की तरफ से प्रमिला राजपूत चुनावी मैदान में उतर कर अपनी दावेदारी पेश कर रही है, तो सपा की तरफ से आशीष पांडे को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो अगर अयोध्या के भाजपा प्रत्याशी पर एक नजर डालें तो ये गिरीश पति त्रिपाठी है। वह गिरीश पति त्रिपाठी कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन अब भाजपा की तरफ से ये मेयर पद के प्रत्याशी अयोध्या में बनाए गए हैं। तो 38 जिलों के 9 मंडल की जनता अपने वोट का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। तो इन 9 मंडलों में अलीगढ़ का नाम शामिल है और अलीगढ़ के साथ तमाम कई ऐसे मंडल है जहां पर जनता अपने वोट का इस्तेमाल करती हुई भी दिखाई देगी। तो जिसके लिए जो जनता है वो लगातार 9 बजे से ही मतदान केंद्रों के बाहर और ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। तो वही 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी अब लगातार सामने आना शुरू हो चुका है। तो जहां निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है, तो 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुका है। आपको बता दें चले कि 2.5 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। तो वही भदोई में 9 बजे तक 9.37% जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो वही हमीरपुर जिले में 9 बजे तक जनता 8.40% अपने घरों से निकलकर वोट करने पहुंच चुकी है। तो वही नोएडा में अगर हम जिक्र करें तो 11.94% जनता ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। तो निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है, 38 जिलों में वोटिंग का दौर लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। तो भदोई में 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 9.37% रहा है। तो वही हमीरपुर में 8.40% की जनता ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। तो वही आपको
आपको बताते चले कि अगर नोएडा के आंकड़ों पर हम एक नजर डालें तो नोएडा में 11.94% जनता ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। तो दूसरे चरण का चुनाव लगातार जारी है, कब वोटिंग होगी, कब नतीजे आएंगे और उसी के बीच में किन किन मंडलों की जनता आज अपने मत का इस्तेमाल कर रही है ये भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो निकाय चुनाव का चक्रव्यूह भेदने के लिए तमाम पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने लोगों के बीच पहुंचकर जनसंपर्क किया, डोर टू डोर कैंपेन किया, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। तो आज जनता इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने मत का इस्तेमाल करेगी। तो नोएडा में 9 बजे तक का वोटिंग परसेंट 11.94% है, तो सिद्धार्थ नगर में 9 बजे तक का 8% मतदान रहा है। तो वही पीलीभीत से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, पीलीभीत की जनता भी लगातार अपने मत का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि 9 बजे तक का पीलीभीत का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा? चुनाव हो चुका है यहाँ पर, ताबड़तोड़ जो वोटर लोग हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। पीछे आप भीड़ देख सकते हैं कि जवान से लेकर बूढ़े और चाहे कितना बुजुर्ग भी अपना मत का प्रयोग करने के लिए बराबर निकलता आ रहा है। इसके बाद में देखा जाए अगर यहाँ पर थोड़ी जो है दिक्कत आ रही है व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके बाद में जो विकलांग लोग हैं वो अपना जैसे तैसे यहाँ पर जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं, जहाँ यहाँ पर थोड़ी प्रशासन की लापरवाही दिखाई गई है। जिसके बाद में आपको बताते चले सिक्योरिटी की अगर बात करें, यहाँ पर सिक्योरिटी चप्पे सिक्योरिटी मौजूद है। हर किसी व्यक्ति को जो है कि अंदर आने का प्रवेश तभी मिलता है जब उसको पूरी तरह से चेकअप मिल जाता है और जिसके बाद में वो अंदर आने के लायक होता है। अगर बात करें तो यहाँ पर अभी तक सुबह से लगातार अधिक भीड़ चल रही है और बराबर लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए बूथ स्थल पे पहुंच रहे हैं। ठीक है अमित, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि दोबारा संपर्क आपसे करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन पीलीभीत से हमारे सहयोगी ने एक बार मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीरें तो हमें दिखाई कि जो मतदान केंद्र है वहां पर भारी भीड़ देखने को मिली है, क्योंकि जनता के पास ये मौका होता है वो अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए अपने एक वोट से अहम योगदान दे सकते हैं। यही वजह है कि जो लोग हैं वो लोकतंत्र के इस महापर्व यानी कि मतदान को लेकर के अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आ चुका है। भदोही की जनता ने 9.37% तक वोटिंग की है। तो वही एक बार फिर से पीलीभीत से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आप इस वक्त मतदान केंद्र के बाहर मौजूद है। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि व्हील चेयर्स की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, तो क्या अभी तक कोई ऐसी खबर भी मिल पाई है कि जो मतदान का जो सूची है उसमें से वोटर्स के नाम गायब है? वो अपने जैसे तैसे करके बूथ स्थल तक पहुंचते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं। तो अमित से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम उनसे दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले आपको बता दें कि आज 38 जिलों की जनता अपने वोट का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। सुबह 7 बजे से जो जनता है वो मतदान केंद्र पहुंच रही है, अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ये अहम चुनाव है, ये शहर का चुनाव है, ये क्षेत्र का चुनाव है। और आज की जनता जो है वो उनके पास एक बड़ा मौका है कि वो अगले 5 साल के लिए अपने हाथ अपने क्षेत्र के विकास की कमान किसके हाथ में सौंपेगी। यही वजह है कि सुबह से ही जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता दिखाती हुई नजर आ रही है। तो एक बार फिर से अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, लगातार हम देख रहे हैं कि आप मतदान केंद्र के बाहर मौजूद हैं, और अभी मेरा सवाल आपसे यही था कि दिव्यांगों के लिए तो व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं पाई गई है, लेकिन क्या कोई ऐसी खबर आई है कि वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम गायब है? अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि वोटर लिस्ट में अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि नाम जो गायब है। लेकिन जो हम आपको बताते चले, यहाँ पर जो है अधिकतर लोग अपना चुनाव का मत करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं, जिसके बाद में देखते हैं कि जनता किसको अपने मतलब चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाना चाहती है। ये तारीख 13 तारीख को ये पूरा फैसला है देखने को मिलेगा यहाँ पर। और हमको बताते चले कि अभी तक लगातार वोटिंग जारी है, और अधिकतर हम भीड़ में देख सकते हैं कि माताएं और बहनें अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ चुके हैं। शायद पीछे सिक्योरिटी में वहाँ व्यवस्था दिखाई है, क्या ये हो रहा है? कुछ लगता है कि वोट स्थल पर थोड़ी बहुत गड़बड़ी चल रही है, हमें लगता है जानकारी मिली है यहाँ पर लगता है। जी
अमित, अभी आपने हमको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से जो वोटर्स है वो मतदान केंद्रों के बाहर पहुंच रहे हैं, लेकिन पीलीभीत में किन दो पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है? जी हमको बताते चले, जैसे कि जो कांग्रेस नेता है मुन्ने अंजाना और भाजपा प्रत्याशी की टक्कर चल रही है, क्योंकि अभी एक वीडियो वायरल हुआ था कांग्रेस नेता का, जो उन्होंने अपने आंसू झलकाए थे वीडियो में, बताया था कि मैं बिल्कुल निष्पक्ष और एक ईमानदार शिक्षित इंसान हूँ, क्योंकि उनको वोट मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी एक वीडियो वायरल की थी जिसमें उन्होंने अपने आंसू झलकाते हुए जनता को वीडियो वायरल किया था। ठीक है अमित, बरेली मंडल का पीलीभीत शहर, जहां पर जो जनता है वो काफी एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि जनता का ये कहना है कि अब वो विकास के नाम पर वोट देगी, तो ऐसे में जो मौजूदा प्रत्याशी है, जो मौजूदा वहां से विजयी कैंडिडेट्स हैं, उनके काम से जनता की कितनी खुश नजर आ रही है? जी आपको बताते चले, ऐसे तो अभी कोई जानकारी, क्योंकि अभी ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है, जनता अब दूसरे प्रत्याशी को चुनना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि फटाफट जो वोटिंग हो रही है उसके अंतर बताते हैं कि यहाँ पर अब की बार दो बीचों में टक्कर चल रही है, कांग्रेस और भाजपा में टक्कर चल रही है। अब देखना ये है कि जनता किसको चेयरमैन का ताज पहनाना चाहेगी। बिल्कुल, धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि जो हमारे सहयोगी है वो पल पल के अपडेट लगातार सुबह 7 बजे से ही हम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मतदान केंद्रों के बाहर हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है, तो वही पीलीभीत में हमारे सहयोगी ने मतदान केंद्रों के बाहर की तस्वीरें हमें दिखाई और ये बताने का प्रयास किया कि जो दिव्यांगों के लिए व्यवस्था का दावा किया जाता है वो व्यवस्थाएं वहां दुरुस्त नहीं पाई गई है, और 7 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज, जो माफी चाहूंगी 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आ चुका है। तो निकाय चुनाव के लिए जो 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है वो भदोई में 9.37% रहा है, तो 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। हमीरपुर में 9 बजे तक 8.40% जनता ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, तो वही नोएडा में 11.94% मतदान किया गया है, तो जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, तो वही सिद्धार्थ नगर में 8% मतदान किया गया है। वह इतनगरी कन्नौज का जो वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का रहा वो 11.67% रहा, तो निकाय चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा, तो वही प्राइम टीवी की टीम भी लगातार तत्पर है पल पल के साथ, हर एक सेकंड की अपडेट हम लगातार सुबह 7 बजे से आप तक पहुंचा रहे हैं। कब वोटिंग होगी, कब नतीजे आएंगे, कितने मंडलों में चुनाव है, कितने जिलों में चुनाव है, ये प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन को देखकर आप समझ सकते हैं। प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर सब कुछ डेटा मौजूद है, हर एक आंकड़े मौजूद है, किन मंडलों में चुनाव होने हैं, कौन से चरण का चुनाव है और कितने जिलों में चुनाव है। प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन देख करके हमारे दर्शक ये साफ तौर पर समझ सकेंगे। इस दौरान हम आपको बता दें कि 2017 की लड़ाई पर भाजपा ने फतह हासिल की थी, तो वही 2023 पांच सालों बाद एक बार फिर से जनता को यह मौका मिला है, तो इस बार जनता किसके हाथों में अपने विकास की कमान सौंपेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन आज जनता कहीं ईवीएम में तो कहीं बैलेट पेपर्स में प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो तय कर रही है, तो जो जनता है वो लगातार सुबह 7 बजे से ही अपने वोट का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। तो लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर प्राइम टीवी की टीम भी लगातार अपने दर्शकों से यही अपील कर रही है कि आप सभी अपने घरों से बाहर आए, अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक शहर का चुनाव है, एक क्षेत्र का चुनाव है, एक वार्ड का चुनाव है, और आपका एक एक मत आपके क्षेत्र के विकास की रफ्तार को तय करेगा, क्योंकि आप अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट देंगे और आप उस प्रत्याशी पर आज भरोसा जताने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, जिसको आप चुनना चाहते हैं, जिसके लिए आप ये मानते हैं कि वो आपके क्षेत्र का विकास करेगा। तो दूसरे चरण का चुनावी संग्राम जारी है, सुबह 7 बजे से जनता अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है, तो 9 बजे तक भदोई में 9.37% की जनता ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, तो वही हमीरपुर में 9 बजे तक 8.40% ही वोटिंग रही है, तो नोएडा में अगर हम बात करें तो 11.94% की जनता ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। तो दूसरे चरण का चुनाव दिलचस्प है, क्योंकि पश्चिमी यूपी की यह पूरी लड़ाई है
और पश्चिमी यूपी कहीं ना कहीं सपा का गढ़ ज्यादा माना जाता है। यही वजह है कि भाजपा के लिए इस बार दूसरे चरण का चुनाव काफी ज्यादा अहम और दिलचस्प हो जाता है। तो वहीं गंगा किनारे बसे कानपुर, जिसे उद्योग नगरी भी कहते हैं, यहां भाजपा ने एक बार फिर से प्रमिला पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि प्रमिला पांडे 2017 की विजयी उम्मीदवार थी। तो वहीं अगर हम सपा के कैंडिडेट की बात करें तो सपा ने भी एक दमदार कैंडिडेट के तौर पर अर्चना निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है। तो सपा की तरफ से अगर हम आंकड़ों पर बात करें तो वंदना वाजपेयी चुनावी मैदान में उतारी गई हैं। तो 38 जिलों में आज वोटिंग होगी, 9 मंडलों की जनता आज अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। तो दूसरे अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो जनता जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल करेगी मेरठ मंडल, बरेली मंडल, अलीगढ़ मंडल, कानपुर मंडल, चित्रकूट मंडल, अयोध्या मंडल के साथ ही बस्ती मंडल की जनता भी आज अपने वोट का इस्तेमाल करती हुई दिखाई देगी। तो सुबह 7 बजे से प्राइम टीवी की टीम पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रही है। हर एक मिनट की, हर एक सेकेंड की अपडेट प्राइम टीवी सही और सटीक जानकारी अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रही है। तो वही प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन को देख करके हमारे सभी दर्शक ये समझ सकेंगे कब वोट होगा, कहाँ वोट होगा और कितने जनता जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएगी। क्योंकि आज का ये मौका सभी के लिए काफी अहम हो जाता है, काफी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि आज जो वोटर्स हैं उनके पास ये फैसला लेने का हक है कि वो अगले 5 सालों की कमान किस पार्टी के प्रत्याशी को सौंपेंगे। क्योंकि आज ये शहर का चुनाव है, यानी कि जो शहर की जनता है उसके पास आज ये बखूबी मौका है। यही वजह है कि प्राइम टीवी की टीम लगातार यही अपील कर रही है लोगों से कि वो अपने घरों से निकले, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता दिखाए और ज्यादा से ज्यादा अपने मत का इस्तेमाल करे। तो इसी दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जो जनता है, दूसरे चरण की जो जनता है, जो वोटर्स है, उनसे अपील करते हुए क्या कुछ कहा है एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में द्वितीय चरण का चुनाव, हम प्रदेश के द्वितीय चरण के सभी मतदाताओं से अपील करते हैं, अपने घरों से निकल करके कृपया मतदान के लिए अवश्य जाएं। मतदान एक पुनीत कार्य है, आपके मतदान करने से जो नगर की सरकारें हैं, जो शहरों की सरकारें हैं, वो बेहतर कैंडिडेट चुन सकेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव में घर घर जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को और उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को घर घर पहुंचाने का काम किया है। मैं पुनः अपील करता हूं, कृपया सभी लोग एकजुट होकर के मतदान के लिए निकले और पहले मतदान फिर जनपद के नियम को अपनाते हुए मतदान बूथ तक जाकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की। तो वही कन्नौज इत्रनगरी से राम ऋषि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। राम ऋषि, 2 से 3 घंटे के बीच का समय हो चुका है निकाय चुनाव को शुरू हुए, सबसे पहले 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा कन्नौज का? % वोटिंग हो चुकी है और जो है वोटर हैं वो मतदान कर रहे हैं और उनका जो है मेन मुद्दा है विकास का। यहाँ पर जो है जो वोटर वोट देने जा रहा है उसका मेन मुद्दा है विकास का, जो विकास कराएगा उसको जो है वोट करेंगे। बिल्कुल, तो लगातार हमारे सहयोगी राम ऋषि पांडे हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आने लगा है। अंबेडकर नगर में 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 12 रहा था, तो अंबेडकर नगर में 12% जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। तो एक बार फिर से कन्नौज से हमारे सहयोगी हमारे साथ राम ऋषि जुड़ चुके हैं। राम ऋषि, अभी आपने जिक्र किया कि जो जनता है वो विकास के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र पर पहुंच रही है, तो वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए जनता अपने मत का इस्तेमाल आज करेगी? बिल्कुल, आपको बता दें, देखिए कन्नौज में जो है 8 4 नगर पंचायतें हैं और 3 जो है नगर पालिका है। यहाँ पर क्या है, सभी नगर पालिकाओं में मेन मुद्दा ये है पानी की समस्या। जो पानी की समस्या है लोगों को सबसे पहले ये कहा गया है कि पानी पहले समस्या को दूर किया जाए। रोड है, सड़कें गड्ढा मुक्त जो है वो कराई जाएगी। ठीक है,
राम ऋषि लगातार आप लोगों के बीच पहुंच रहे थे, उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे थे, तो क्या जो मौजूदा विजयी प्रत्याशी हैं उनसे जनता संतुष्ट नजर आई है या फिर किसी नए प्रत्याशी को मौका देगी? नहीं, अब की बार देखा जाए कि भाजपा जो है, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों में टक्कर है। जो छिबरामू की अगर बात की जाए तो यहाँ राजीव दुबे जो थे निवर्तमान जो चेयरमैन हैं, उनको जो है अब की बार कम जनता सपोर्ट करे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने ज्यादा विकास का तवज्जो नहीं दिया था जी, और उनसे जो है नाराज चल रही है। अजय सौरिक की अगर बात करी जाए, ग्राम सौरिक की नगर पंचायत की बात की जाए, तो वहाँ जो है संजय चतुर्वेदी थे निवर्तमान, और अब की बार जो निर्दलीय है राहुल गुप्ता है, उनके बीच जो है काफी बनी हुई है कि अब देखा जाए तो सौरिक में निर्दलीय और क्या नाम भाजपा जो उनकी टक्कर आ रही है सामने जी। अच्छा, राम ऋषि बीते दिनों अतीक अशरफ हत्याकांड का गवाह पूरा देश बना था, पूरे देश ने उस हत्याकांड की तस्वीरें देखी थी, और उसी के बाद अब निकाय चुनाव हो रहे हैं, तो अतीक अशरफ हत्याकांड का जो असर है, क्या वो निकाय चुनाव के नतीजों या यूं कहे कि जो वोटिंग परसेंटेज है उस पर कितना बढ़ सकता है कन्नौज में? कन्नौज में यहाँ अतीक जो हत्याकांड हुए उस पर कोई भी यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर जो है वोटर है विकास के मुद्दे पर वोट कर रहा है ज्यादातर। जो भी हमने जो है पब्लिक से बात की, उनके द्वारा बताया गया है कि मैन विकास का मुद्दा है, अतीक अहमद जो है उस पर कोई भी वो जिक्र नहीं कर रहा जी। ठीक है, यानी कि राम ऋषि जिस तरीके से आपने बताया कि इस बार का जो कंपटीशन है वो भाजपा और निर्दलीय के बीच है, तो क्या लगता है कि जो निर्दलीय है वो चुनावी समीकरणों को बिगाड़ने या बनाने में कितने कारगर साबित होंगे? बिल्कुल, आपको बता दें, देखिए कहीं ना कहीं भाजपा और निर्दलीय में जो प्रत्याशी है उनमें जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। अगर छिबरामू की बात की जाए तो यहाँ जो है साइकिल है बहुत पीछे चल रही है, और बसपा भाजपा में यहाँ टक्कर देखने को मिल रही है, और जो निर्दलीय प्रत्याशी राजीव दुबे हैं और अन्य प्रत्याशी हैं यहाँ अभी तीसरे चौथे नंबर पे देखने को मिल रहे हैं जी। बिल्कुल, धन्यवाद राम ऋषि हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि जो राम ऋषि पांडे हैं वो भी लगातार कन्नौज से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने हम तक जानकारी साझा करते हुए बताया कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो पहले की तुलना में काफी ज्यादा यानी कि ठीक ठाक रहा है, तो उसके बाद की भी जो जनता है वो लगातार अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। तो पीलीभीत में 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो था 13%। तो निकाय चुनाव के लिए जो वोटिंग है वो लगातार जारी है, सुबह 7 बजे से जो वोटर्स हैं वो मतदान केंद्रों के बाहर पहुंच रहे हैं, और वहीं शाम 6 बजे तक जो जनता है वो अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। कब वोटिंग होगी, कब नतीजे आएंगे, किन किन मंडलों में चुनाव होने हैं, वह दूसरे चरण में किन किन जिलों में चुनाव होने हैं, प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन को देखकर हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि आज का दूसरे चरण का चुनाव जो है वो काफी अहम हो जाता है, क्योंकि ये पश्चिमी यूपी है, और पश्चिमी यूपी कहा जाता है कि सपा का गढ़ है, यहाँ की जो जनता है उसका झुकाव सपा की तरफ थोड़ा ज्यादा है। तो इस बार शाहजहांपुर की जनता पहली बार अपना मेयर चुनेगी, जिसको लेकर के लगातार जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल तो किया ही, वही मीडिया से मुखातिब होते हुए शाहजहांपुर की जनता से उन्होंने अपील की है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के नाम पर वोट दे, अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपना वोट दे। तो बस्ती में 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 9% रहा है, वही कासगंज की जनता ने 12% ही अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और जनता लगातार मतदान केंद्रों के बाहर पहुंच रही है, अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ये चुनाव काफी दिलचस्प हो जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस निकाय चुनाव को एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है, और ये भापने का हर एक पार्टी प्रयास कर रही है कि जो जनता का मूड है, यूपी की जनता का मूड है, वो आखिर क्या है। तो गाजियाबाद में फर्जी मतदान को लेकर भिड़ंत की खबर सामने आई है, गाजियाबाद में फर्जी मतदान को लेकर भिड़ंत की खबर है। लोनी विधायक और बसपा प्रत्याशी आपस में भिड़े, बुरके की आड़ में फर्जी वोट की सूचना पर पहुंचे थे लोनी विधायक, जहां पर एक भिड़ंत देखने को मिली है। विधायक ने कहा लोनी में नहीं डालने देंगे एक भी फर्जी वोट।
प्रशासन से कहा कि चेकिंग भी सख्त की जाए। तो फर्जी वोट डालने को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत हुई है। वही विधायक ने कहा है कि एक भी फर्जी वोट नहीं डालने दिया जाएगा। और घटना के बाद भारी पुलिस बल मतदान केंद्र के बाहर तैनात भी कर दिया गया है। तो फर्जी मतदान को लेकर गाजियाबाद में भिड़ंत की भी खबर है। तो फर्जी मतदान को लेकर गाजियाबाद में ये भिड़ंत हुई है। लोनी विधायक और बसपा प्रत्याशी आपस में भिड़ गए, आमने सामने आ गए। इस दौरान लोनी विधायक ने कहा है कि एक भी फर्जी वोट गाजियाबाद में नहीं डालने दिए जाएंगे। बुरके के आड़ में फर्जी वोट की सूचना पर पहुंचे थे लोनी विधायक और विधायक ने कहा कि लोनी में एक भी फर्जी वोट नहीं डालने दिया जाएगा। प्रशासन से कहा कि चेकिंग को भी सख्त किया जाए ताकि एक भी फर्जी वोट ना डाला जाए। घटना के बाद भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो इस खबर पर सीधे गाजियाबाद से हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, गाजियाबाद में लोनी विधायक और बसपा प्रत्याशी के बीच भिड़ंत की खबर है, क्या कुछ वजह बताई गई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि गाजियाबाद का जो लोनी क्षेत्र है खासतौर पर ये शुरू से ही एक संवेदनशील विधानसभा बनी रही है। हालांकि जो नंदकिशोर गुर्जर है खासतौर पर वहां पर उनका तात्पर्य से आरोप है, जो असद अली यानी कि जो बसपा के जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर आरोप है कि बुरके की आड़ में कहीं ना कहीं मतदान कराए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बुरखे के अंदर में जो मतलब महिला की जगह पर कोई पुरुष जाकर मतदान कर रहा है। हालांकि बुरखे में चेकिंग नहीं की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं नंदकिशोर गुर्जर का सीधे तौर पर ये आरोप है। और वहां पर जिस तरह से जो भीड़ देखने को मिली आपस में असद अली जो बसपा के प्रत्याशी है और भाजपा के जो नंदकिशोर गुर्जर है, खासतौर पर इन दोनों में आपस में भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद भारी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया। क्योंकि संवेदनशील विधानसभा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया था पहले से, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के मतभेद होने संभवतः ये जरूर थी कि कहीं ना कहीं इस तरह के मतभेद हो जाएंगे, लेकिन अब जो है पुलिस काफी अलर्ट हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, नंदकिशोर गुर्जर यही कहते आ रहे हैं कि बुरखे के आड़ में जिस तरह से मतदान कराए जा रहे हैं उसमें पता नहीं चल पाता है कि आखिर इसमें कौन आदमी है या कोई महिला है जिसमें ये मतदान करके वापस आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस तरीके की बात कही गई है। जी बिल्कुल प्रवीण, तो जिस तरीके से ये झड़प की खबर भी सामने आई है, तो क्या मतदान केंद्र पर अब एक बार फिर से वोटिंग शुरू हो चुकी है या फिर जो हंगामा है वो कहीं ना कहीं अभी भी हल्का फुल्का जारी है? देखिए हंगामा हर एक बूथ पर जारी है, क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर जो है विधायक भाजपा से वो साफ तौर पर हर एक बूथ पर जा रहे हैं और उन्होंने खास तौर पर ये भी कहा है कि गाजियाबाद के अंदर में कोई भी फर्जी वोटिंग नहीं की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, लेकिन जो झड़प हुई थी उसके बाद झड़प को शांत करा दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कुछ ना कुछ और भी ऐसी झड़पें देखने को मिल सकती है, क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर काफी अलर्ट दिख रहे हैं और खासतौर पर जो असद अली है जो बसपा के प्रत्याशी है वो भी काफी अलर्ट है। कहीं ना कहीं जो मतदान लेकर ये चीजें जब उभर कर सामने आई है तो कहने लगे आप भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है और किसी भी तरीके का कोई हंगामा होता है तो उनकी हो सकता है उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रवीण हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो निकाय चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है और जनता लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। तो 9 बजे तक का भदोई में वोटिंग परसेंटेज 9.37 रहा, तो भदोई की जनता ने 9.37% अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो हमीरपुर में 9 बजे तक 8.40% जनता ने अपना मत का इस्तेमाल किया। तो वही नोएडा में 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 11.94 रहा। सिद्धार्थनगर में 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जो रहा वो 8 रहा, तो महज 8% जनता ने सिद्धार्थनगर में अपने मत का इस्तेमाल किया। तो इतनगरी कन्नौज में 11.67% जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो बुलंदशहर में 12.33% जनता ने 9 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो वही औरैया में 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 10.79% रहा है। अमेठी में 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 11 रहा है। तो वही अमेठी में 9 बजे तक 11% जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो अंबेडकर नगर में 12% जनता ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। बस्ती में 9% जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो आपको बता दें कि 3 घंटे के वोटिंग परसेंटेज अब सामने आने लगे हैं। कासगंज में 12% जनता ने 9 बजे तक अपने वोट डाले हैं। तो वही सोनभद्र में 11% वोटिंग परसेंटेज रहा। पीलीभीत में 9 बजे तक का 13.0 वोटिंग परसेंटेज रहा, तो 13% की जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है।
तो निकाय चुनाव के लिए सुबह 7 बजे तक वोट, सुबह 7 बजे से वोट जा रही है, जिसके लिए जनता लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। तो भदोही में 9.37% परसेंटेज रहा। तो 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त घड़ी पर हम एक नजर डालें तो 10 बजे तक का समय हो चुका है, यानी कि 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। उससे पहले 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी प्राइम टीवी ने आपको दिखाया, और प्राइम टीवी सुबह 7 बजे से ही लगातार हर एक सेकेंड की, हर एक पल की सीधी और सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रही है, और 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आने लगा है। तो वही सिद्धार्थनगर से रवि प्रताप हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आ रहे हैं, क्या रहा सिद्धार्थनगर में सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिद्धार्थनगर जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर के प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां चुस्त दुरुस्त बनाई गई हैं, और पूरे जिले की अगर बात की जाए तो सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग का परसेंटेज रहा वो 9.63 रहा है, और इसी कड़ी में बिस्कोहर नगर पंचायत से 8.58% 9 बजे का यहाँ का प्रतिशत है जो वोटिंग हो चुका है, और बिस्कोहर नगर पंचायत में 23,380 मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने लिए नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। जी मुस्कान, बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आ चुका है, तो क्या लगता है कि 2017 के मुकाबले कुछ जो वोटिंग परसेंटेज है 9 बजे तक का, उनमें कुछ बढ़ोतरी हुई है या फिर गिरावट दर्ज की गई है? देखा जाए तो कहीं ना कहीं सामान्य है, अगली बार की तरह ही इस बार भी सामान्य है, कहीं कहीं वोटिंग का प्रतिशत जो है 14% तक है, जिसमें कपिल वस्तु में 9 बजे तक 14% मतदान हो चुका है, और इस बार सिद्धार्थनगर जिले में कुछ अहम भी है यह चुनाव, क्योंकि नए नगर पंचायत का भी गठन हुआ है, जिसमें 5 नगर पंचायतों का नया गठन हुआ है, जिनके मतदाता और अधिक उत्साहित है अपने अपने नगर अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए, जिसमें बिस्कोहर है, इटवा है, बढ़नी चाफा है, फिर उसके बाद भारत भारी है, ऐसे ये नए नगर पंचायत का गठन हुआ है और यहाँ के मतदाता अपने नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए बेहद उत्साहित। बिल्कुल रवि, अभी आपने जिक्र किया कि जो नए नगर पंचायत है वहां पे भी जनता काफी एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन मैं आप सब ये जानना चाहूंगी कि वोटिंग परसेंटेज तो सामने आ चुके हैं, लेकिन क्या मतदान केंद्रों पर सुरक्षाएं दुरुस्त पाई गई है, क्या दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्थाएं देखने को मिली है आपको? जी, जाए जहां तक तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चुनाव को साक्षात संपन्न कराने के लिए तैयार है, ऐसे में जहां पर पुलिस बल मौजूद है वहीं पर बीएसएफ के जवान या बॉर्डर क्षेत्र के जो जवान हैं वो भी लगाए गए हैं, और मतदान को साक्षात संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन सक्रिय है, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए इसको लेकर के पुलिस थाना अध्यक्ष त्रिलोकपुर अपने पुलिस फोर्स के साथ लगातार क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बगल में दिखाना चाहूंगा, हमारे बगल में बिस्कोहर का ये बूथ संख्या है, और ऐसे में यहाँ पर ये देखिए पुलिस फोर्स जा रही है और मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जी उस पर बिल्कुल धन्यवाद रवि हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वो भी अपने मताधिकार का सुबह 9 बजे से ही इस्तेमाल कर रही है। तो अमेठी में 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज रहा वो 11% रहा। उत्तर प्रदेश में द्वितीय चरण का चुनाव, हम प्रदेश के द्वितीय चरण के सभी मतदाताओं से अपील करते हैं अपने घरों से निकल करके कृपया मतदान के लिए अवश्य जाएं। मतदान एक पुनीत कार्य है, आपके मतदान करने से जो नगर की सरकारें हैं, जो शहरों की सरकारें हैं, वो बेहतर कैंडिडेट चुन सकेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव में
घर घर जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को और उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को घर घर पहुंचाने का काम किया है। मैं पुनः अपील करता हूं, कृपया सभी लोग एकजुट होकर के मतदान के लिए निकले और पहले मतदान फिर जनपद के नियम को अपनाते हुए मतदान बूथ तक जाकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की। कौन जुड़ा है? तो दूसरे चरण के लिए जनता अपने घरों से बाहर निकल रही है, अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। तो कन्नौज में 9 बजे तक 11.67% मतदान रहा, तो वहीं बुलंदशहर में 12.33% जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आ चुके हैं। तो औरैया में 10.79% जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो शाहजहांपुर की जनता पहली बार अपना मेयर चुन रही है, जिसको लेकर के जो वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना, उन्होंने जो है एक तरफ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो वही लोगों से अपील भी की है कि वो विकास के नाम पर वोट दे। यही वजह है कि जो जनता है वो लगातार अब घरों से निकल रही है और लगातार जो तमाम दिग्गज नेता है वो भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो पहले मतदान करें फिर जलपान करें। तो वही अलीगढ़ से रितेश महेश्वरी हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, अब 9 बजे तक के वोटिंग, नितेश, अब 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुके हैं, तो पहले वोटिंग परसेंटेज क्या रहा अलीगढ़ का? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक स्लोगन है कि पहले मतदान बाद में जलपान, तो अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पहले मतदान बाद में जलपान। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अलीगढ़ के सुबह 9 बजे तक अलीगढ़ के जो वोटिंग परसेंटेज है वो 7.7% की वोटिंग हुई थी। बिल्कुल नितेश, अगर हम अलीगढ़ के 2017 के मेयर की बात करें तो मोहम्मद फुरकान बीएसपी से मेयर चुने गए थे, और इस बार जो कंपटीशन है वो किन किन पार्टियों या प्रत्याशियों के बीच ज्यादा लग रहा है? देखिए मैं आपको बता दूं कि इस बार जो कंपटीशन है वो सिर्फ 2 पार्टियों में नजर आ रहा है, एक बीजेपी और सपा में। इस तरीके से जनता में देखने को मिल रहा है कि दोनों पार्टियों में ही टक्कर नजर आ रही है। बिल्कुल नितेश, अभी आपने जिक्र किया कि भाजपा और बसपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, तो क्या 2017 के जो मेयर विजेता थे मोहम्मद फुरकान, क्या उनके काम से वहां की जनता संतुष्ट है? मैं आपको बता दूं, अगर कार्यभार का देखा जाए तो कार्यभार तो फुरकान जी ने भी बहुत अच्छा किया था, लेकिन जनता का जो मन है इस बार नया प्रत्याशी चुनने का मन है और नए विकास की ओर बढ़ने का मन है, इस तरीके की बात जनता द्वारा की जा रही है। बिल्कुल नितेश, अलीगढ़ जो है ये मुस्लिम बहुल इलाका आता है और कहीं ना कहीं यहाँ माना जाता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं, तो इस बार जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका साथ ज्यादा किस पार्टी को मिल रहा है? अगर मुस्लिम वोटर की बात करेंगे तो उनका साथ सपा में ज्यादा देखने को मिल रहा है, और आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं और सुबह के 10 बजे इतनी लंबी लाइनें लग रही हैं, लेकिन अगर दूसरी बात करेंगे तो कोई व्यवस्था की यहाँ पर बात नहीं है, क्योंकि ना व्हील चेयर है और ना कुछ पानी है ना कुछ है। अभी अभी देखने को मिला कि लोगों को चक्कर आ रहे हैं और नीचे गिर गए, इस तरीके का एक माहौल बना हुआ है, मतलब प्रशासन द्वारा कोई भी यहाँ पर सुविधा नहीं दी गई है। अच्छा नितेश, अभी जो तमाम जनपदों से हमारे सहयोगी जुड़े थे उन्होंने कहा कि जो वोटर लिस्ट है उनमें से कई मतदाताओं के नाम गायब है, जिसके बाद जो वोटर्स है उन्हें मायूस होकर घर लौटना पड़ रहा है, तो क्या अलीगढ़ के किसी बूथ से अभी तक ऐसा मामला निकल के सामने आ रहा है? अलीगढ़ में भी बहुत सारे बूथों पर ये चीज निकल के आया और इस तरीके की समस्या निकल के आ रही है कि कुछ लोगों के नाम ही नहीं है, कुछ परिवार में से 2 लोगों के नाम है, कुछ लोगों के परिवार के नाम ही गायब है, इस तरीके की वोटर लिस्ट में कमियां देखने को मिल रही है, जिससे जनता में आक्रोश नजर आ रहा है, उनको वोट डालने का मौका नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल नितेश, जैसे कि आपने जिक्र किया कि जो मतदान केंद्र है ना वहां पर व्हील चेयर्स मौजूद है, कई लोगों की लिस्ट भी गायब है, तो क्या ये माना जाए कि जो निर्वाचन आयोग है वो आधी अधूरी तैयारी के साथ जो ये निकाय चुनाव है वो आयोजित करवा रहा है? निर्वाचन आयोग की सारी कमियां देखने को मिल रही है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, अगर कोई बीमार व्यक्ति वोट डालने आ रहा है तो व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है और पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, और कोई भी अगर कोविड की बात करें तो उसकी तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई टेस्ट का माहौल ही नहीं है यहाँ पर, इस तरीके की बात जनता में आक्रोश देखने को नहीं आ रहा है इस तरीके से भी। ठीक है नितेश, तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और निकाय चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, तो जो महिला है और जो युवा है उनकी भागीदारी किस तरीके से आपको मतदान केंद्र के बाहर दिख रही है? अगर मतदान केंद्र की बात करेंगे तो लगातार बहुत लंबी लंबी कतारें लग चुकी है और लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और वोटिंग के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है इस समय।
बिल्कुल नीतीश, अक्सर ये कहा जाता है कि जो पार्टी जिसके प्रत्याशी विजय घोषित हुए हैं वो 5 साल के बाद लोगों के बीच नहीं आते हैं, तो क्या बसपा के कैंडिडेट हैं तो क्या वो लोगों के बीच में सक्रिय रहे थे इन 5 सालों के बीच? मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर जो पहले जो मेयर थे वो मोहम्मद फुरकान थे जो कि बीएसपी से थे, अगर बीजेपी बीजेपी कार्यभार की बात करेंगे तो हमारे यहाँ 7 विधानसभा है, 7 विधायक है और सांसद भी बीजेपी के। अगर जनता की बात करिए, जनता के बीच सभी अपने अपने नेता सब बीच में नहीं आ रहे हैं क्योंकि जनता को लुभाने का कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल नीतीश, अभी हमने ये देखा कि जो बागी कैंडिडेट्स है जब वो निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो बिगड़ सकता है, तो क्या अलीगढ़ में कोई ऐसा निर्दलीय मेयर कैंडिडेट है जिसके चुनावी मैदान में आ जाने से जो समीकरण है या जो नतीजे है उसमें बड़ा उलटफेर हो सकता है? अलीगढ़ में मेयर की गिनतियां तो बहुत है, लेकिन मेयर अगर टक्कर की बात करेंगे तो सिर्फ बीएसपी और सपा में और बीजेपी में टक्कर ही नजर आ रही है, बाकी कोई टक्कर देते हुए नया नहीं आ रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद नीतीश हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक पल पल के अपडेट पहुंचाने के लिए। तो नीतीश ने हमको बताया कि किस तरीके से जो अलीगढ़ की जनता है वहां का मूड क्या है, वहां पर भाजपा सपा और बसपा तीनों के ही बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि 2017 की ये वही सीट है जहां पर बसपा के कैंडिडेट मोहम्मद फुरकान चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। तो वही हमीरपुर से हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, लगातार आप लोगों के बीच में मौजूद रहे थे हमारे नगर संग्राम के खास पेशकश में, तो इस बार जब हमीरपुर की जनता को यह मौका मिला है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट दे, तो जो हमीरपुर की जनता का मूड है वो किस प्रत्याशी के साथ ज्यादा है? देखिए मुस्कान, अगर हमीरपुर के जिले की जनता की बात करी जाए तो हमीरपुर कस्बे में मौजूद है, यहाँ एक ये आज सखी बूथ बनाया गया है, इस बूथ पर हम आए हैं और यहाँ पर तमाम सारे लोग और महिलाएं वोट करने आई हुई हैं। सुबह से ही पुरुष यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हुए हैं और अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ये सुमेरपुर का एक सखी बूथ बनाया गया है, इसमें आप चारों तरफ देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसको सजाया गया है और यहाँ लोग सुबह से ही वोट करने आ रहे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में अभी तक लोग मतदान कर चुके हैं और इसके बाद धीरे धीरे लोगों का यहाँ पर आना भी शुरू है। लोग मतदान कर रहे हैं और मतदान के लिए उत्साह ठीक नजर आ रहे हैं। जी मैं बिल्कुल, अभी आपने बताया कि जो लगातार वोटर्स है वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों के बाहर, तो मतदान केंद्रों पर जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या आपको दुरुस्त नजर आ रही है या फिर कहीं ना कहीं कोई खामियां पाई गई है? देखिए यहाँ की व्यवस्थाओं की अगर बात करी जाए तो ये सुमेरपुर का एक सखी बूथ बनाया गया है, यहाँ पे इसको बड़ी साधु सज्जा के साथ इसको चारों तरफ से सजाया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर पीने की व्यवस्था पानी की व्यवस्था करी गई है, साथ ही अन्य तमाम सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर इस बूथ पर करी गई है और साथ ही साथ यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है जो सुरक्षा के लिहाज से अपने पूरे इंतजाम आप किए हुए हैं और शांतिपूर्वक यहाँ पर सुबह से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी ठीक है ब्रजेश, अभी आपने दिखाया कि जो मतदाता है वो शांतिपूर्वक तरीके से अपने मत का इस्तेमाल करते हुए वापस अपने घर की ओर लौट रहे, लेकिन क्या मतदान केंद्रों के बाहर जो व्हील चेयर्स है क्या वो मौजूद नजर आ रही है? क्योंकि तमाम जनपदों के हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं आधी अधूरी तैयारी के साथ राज्य निर्वाचन आयोग ये चुनाव करा रहा है। हाँ, इस बात पर अगर यहाँ की चर्चा करी जाए तो जिस बूथ पर हम यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसी जिस विषय में आपने प्रश्न किया है इस विषय में अगर हम आपको बताना चाहें तो ऐसी किसी भी प्रकार की अभी तक यहाँ व्यवस्था नजर नहीं आई है। हालांकि यहाँ पे जो यहाँ पे एजेंट बनाए गए हैं वो अपनी अपनी पूरी व्यवस्थाओं में लगे हुए, लेकिन अगर व्हील चेयर और विकलांगों के मतदान के लिए अगर बात की जाए तो उनके लिए अभी तक यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आई है। जी मुस्कान। बिल्कुल ब्रजेश, तमाम पार्टियों ने यहाँ से जीत दर्ज की, तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों ने यहाँ पर जीत दर्ज की, लेकिन आज तक कोई भी अवैध खनन के काला कारोबार के लिए जाने जाने वाले हमीरपुर को एक नई पहचान नहीं दिला पाई, क्योंकि आज भी जब हमीरपुर का नाम आता है तो ये कहा जाता है कि वहां पर तो अवैध खनन का काला कारोबार होता है।
देखिए मुस्कान, अगर अवैध खनन की बात करी जाए तो हमीरपुर जिला एक बुंदेलखंड का वो मशहूर जिला है जो मोरम खनन के लिए यहाँ पर मशहूर जिला माना जाता है। यहाँ पर आज से नहीं, यहाँ लंबे समय से मोरम के अवैध खनन का खेल होता चला आ रहा है और मेरा मानना है कि शायद लंबे समय तक आगे होता भी चला जाएगा। इससे पूर्व तमाम सरकारें आई और तमाम सरकारें गई, किसी ने भी इस अवैध खनन पर रोक लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हालांकि इस अवैध खनन में लंबी सपा सरकार में जो है एक बड़ा घोटाला हुआ था, जिसके बाद से इस अवैध खनन में सीबीआई की जांच भी चल रही है, लेकिन अफसोस एक बात का कि वो लंबे समय से अभी तक आधार पर ही लटकी हुई है, जिसकी जाँच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जी मुस्कान, बिल्कुल ब्रजेश, 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है निकाय चुनाव के लिए, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। ऐसे में जो महिला वोटर्स है वो कितनी एक्टिव नजर आई है, क्योंकि जब 2022 का विधानसभा चुनाव का नतीजा आया था तो जो महिला वोटर्स थी वो निर्णायक रही थी। महिलाओं की अगर बात करी जाए तो महिलाएं सुबह से ही अपने घर का काम काज निपटा करके जो है अपने नजदीकी पोलिंग बूथों में जाकर के अपने मत का प्रयोग कर रही हैं और साथ ही साथ अपने जो घर के काम काज उनको निपटाने के बाद पूरी तरीके से महिलाएं वोटिंग कर रही हैं और माना यही जा रहा है कि महिलाएं ही इस पूरे निर्णायक भूमिका इसमें अदा करेंगे। जी मुस्कान, बिल्कुल धन्यवाद ब्रजेश हमारे साथ जुड़ते हुए हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि लगातार जो हमारे सहयोगी है वो तमाम जनपदों से हमारे साथ जुड़े हुए थे और हर एक पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि प्राइम टीवी हर एक अपडेट की सच्ची और सटीक जानकारी सुबह 7 बजे से ही आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन को देखकर आप ये समझ सकेंगे कि दूसरे चरण का निकाय चुनाव कब होना है, कब नतीजे आएंगे, किन किन मंडलों में चुनाव होने हैं और किन किन चरणों में चुनाव होने हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी का ट्वीट एक बार फिर से देखने को मिला है। तो निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक अहम ट्वीट किया है। तो निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट भी आया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने लोगों से अपील की है कि वो अपने मत का इस्तेमाल करें, तो वही सपा कार्यकर्ता और मतदाताओं के साथ अभद्र व्यवहार करने को लेकर भी समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है। चुनाव आयोग से मामले में संज्ञान लेने की बात की गई है, तो मामले को संज्ञान में लेने की बात चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने की है। निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की भी अपील की है। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण से पहले या दूसरे चरण को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया है। कानपुर में निकाय चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है। निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है, तो वही भाजपा मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने बूथ पर जाकर अपने मत का इस्तेमाल किया है, यानी कि वोट डाला है। अपने बेटे के साथ वोट डालने के लिए पहुंची मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे। तो कानपुर में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। भाजपा की मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल अपने बेटे के साथ पहुंचकर किया है। तो वही समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट भी किया है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया है। कन्नौज के भाजपा सांसद पर लगाया अभद्र व्यवहार करने का आरोप। भाजपा सांसद पर अभद्र व्यवहार करने का समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक और उनके साथियों पर यह आरोप लगाया गया है। सपा कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया है। तो आपको बताते चले कि निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया है। वही चुनाव आयोग से मामले को संज्ञान में लेने की भी बात कही गई है। निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की भी अपील की गई है। तो निकाय चुनाव को लेकर जो मतदान है वो लगातार जारी है। तो समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट भी किया है। वही भाजपा सांसद सुब्रत पाठक पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट भी किया है। वही चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी की तरफ से यह अपील की गई है कि प्रदेश के जो जनपद है दूसरे चरण के लिए, वहां पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जाए। तो लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, जिसको लेकर प्राइम टीवी लगातार पल पल की सीधी और सटीक जानकारी हमारे
हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहा है, तो वही प्राइम टीवी की टीम भी लगातार अपने जनता से यही अपील कर रही है कि वो अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे और शहर की सरकार और अपने क्षेत्र के जो प्रत्याशी है उसको चुने ताकि वो अपने क्षेत्र में विकास को एक नई रफ्तार दे सके। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, हम वापस लौटेंगे, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।